नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वैकेंसी जो है इसका बहुत ही इंतजार किया जा रहा था। यदि आप एक देश के लिए एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आप जो है अपने हाथ से जाने बिल्कुल मत दीजिए, और देश के लिए जो है सेवा यदि करना चाहते हैं तो आप ऑफिसर बनकर के सेवा कर सकते हैं। तो चलिए आखिर देखते हैं कौन सी वैकेंसी है, कहाँ से आई है, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिटेशन है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यदि दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के थ्रू निकाली गई है, और यह जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि इसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAPF। ठीक है, क्या बोलते हैं CAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट का यह फॉर्म है जो कि 2024 के लिए है। ओके, इसमें यदि दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो है एक ऑफिसर क्वालिटी का है पोस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है ये 506 है। कितना है? 506 सीट है। ठीक है, इसमें जो 506 सीट है दोस्तों, इसमें से BSF के लिए 186 सीट है। क्लियर, BSF के लिए 186 है, CRPF के लिए 120 है। ओके, CISF के लिए 100 है, ITBP के लिए 58 है, और SSB के लिए 42 है। टोटल जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 506 सीट। ओके, ये तो हो गया भाई कितनी सीट आई है। और यदि मैं बात करूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों ग्रेजुएट कैंडिडेट, यानी कि यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड, इसमें एज लिमिटेशन क्या होगा, कितना एज के लोग इसको भर पाएंगे फॉर्म को। ठीक है ना, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि इसमें मिनिमम एज क्या है, तो आप जो है मिनिमम इसमें जो है 20 ईयर के होने चाहिए, यानी कि आपका यदि उम्र जो है 20 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो हो गया मिनिमम। मैक्सिमम कितना तक के लोग भर सकते हैं? तो मैक्सिमम मिनिमम तो 20 साल है और मैक्सिमम जो है ये 25 साल है। क्लियर। और दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम जो है, इसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन जैसे कि ओबीसी की मैं बात करूं तो यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका यदि 28 साल भी हो रहा है, 27 साल हो रहा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है एज लिमिटेशन के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल दिया जाता है, SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल जो है दिया जाता है। ओके, एक सर्विस मैन है तो भी आपको 5 साल दिया जाता है। ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी वाले का है, जनरल ओबीसी, जनरल और EWS वालों के लिए। क्लियर, यदि मैं बात करूं ये जो एज है दोस्तों, ये कब से कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ये जो एज है ये आपका ऑन 1st अगस्त 2024 को जो है कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यानी इस डेट में आपका जो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होने चाहिए। ठीक है, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अब तो ये तो हो गया एज लिमिटेशन का। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो एग्जाम पैटर्न के लिए आप थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे कि एग्जाम पैटर्न, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर जो होगा, यहाँ फर्स्ट जो पेपर होगा जिसको कि हम कह सकते हैं प्रीलिम्स टाइप का, प्रीलिम्स और मेंस वही कह सकते हैं, तो इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस होगा। ठीक है ना, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। टोटल ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों ये 250 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 250 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं डिटेल में बता देता हूँ, जो कि यहाँ पूरा डिटेल नहीं लिख पाया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों ये 250 नंबर का होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और सेकेंड क्वेश्चन जो होगा, ठीक है ना, जनरल स्टडीज एसे और कम्प्रीहेंशन जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा ये 200 नंबर का होगा। क्लियर, तो इसमें जो है दोनों आप जब पास कर जाएंगे एग्जामिनेशन को तो फिर आप फिजिकल एंड मेडिकल के लिए जो है क्वालिफाई होंगे, और जब आप फिजिकल एंड मेडिकल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जो है क्वालिफाई होंगे और फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। दोस्तों यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ फिजिकल टेस्ट का, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये हो जाएगा PET जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 मीटर रेस होगा। ठीक है ना, वो हो जाएगा मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 100 मीटर जो रेस होगा ये होगा 16 सेकेंड में। ठीक है ना, 16 सेकेंड के लिए, और जो फीमेल होगी उनके लिए 18 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। क्लियर, और फिर 800 मीटर जो रेस होगा उसमें 3 मिनट और 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 4 मिनट और 45 सेकेंड का दिया जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग जंप जो होगा दोस्तों, लॉन्ग जंप जो होगा वो होगा 3.5 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि मेल के लिए और फीमेल के लिए हो जाएगा 3 मीटर का। क्लियर, और फिर शॉर्ट पुल जो होगा वो लगभग 7.5 kg का होता है, जो कि आपको फेंकना होता है, जो कि 5.5 मीटर फेंकना है मेल के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फीमेल के लिए नहीं है।
तो ये तो हो गया फिजिकल टेस्ट। ओके, तो ये जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, और फिर इंटरव्यू अभी आपका यदि हो गया तो फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि आखिर ये जो फॉर्म है ये कब से अप्लाई हो रहा है, कितना फी लग रहा है। तो देखिए ऑनलाइन स्टार्ट के लिए मैं बात करूं तो ये जो ऑनलाइन है दोस्तों ये 24 अप्रैल यानी कि आज से ही ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 24 अप्रैल 2024 यानी आज से ही स्टार्ट हो चुका है। क्लियर, और उसके बाद ये जो इंड है ये कब तक भरा जाएगा फॉर्म, तो ये जो है 14 मई 2024 तक भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। और एग्जामिनेशन डेट क्या होगा, तो एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों ये 4 अगस्त 2024 है, इस तारीख का आपका परीक्षा होगा। ठीक है, तो परीक्षा दो सिटिंग में होगा, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो इस एग्जामिनेशन को भरने का फी क्या लग रहा है, तो फी जो है दोस्तों यदि आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपीज जो है पे करना है। ठीक है, कितना करना है, 200 रुपीज पे करना है। और यदि आप फीमेल हैं, एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक है, यानी आपको कोई भी फी देना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, ठीक है ना, यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं एक ऑफिसर बन करके, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और हाँ, यदि कोई इससे और इससे संबंधित कुछ और पूछना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।